हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, सीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कौन सी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है, प्लीज गाइड मी। पार्शलिटी प्रेयर, परफेक्शन, रेस्पॉन्डेंस, परसीवेरेंस, क्रिएशन, विजडम, ग्रैटिट्यूड, फसाद एंड कंप्लीशन, कंप्लेंसी सॉरी, रिजेक्शन। ओके, काफी ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। पहली गुड न्यूज गाइज आपके लिए ये है कि आप देखिए, यहाँ पर इम्पार्शलिटी का कार्ड है एंड क्रिएशन का कार्ड है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर ये नजर आता है गाइज कि जैसे आपकी लाइफ में हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सब कुछ कलर, मतलब पहले बहुत कलरफुल लाइफ थी आपकी, ठीक है, अब आपकी लाइफ में कलर्स नहीं बचे, ठीक है, और बहुत आपको बेरंग बेरंग सा सब कुछ नजर आ रहा है। बट यहाँ पर कार्ड है क्रिएशन का। ये जो लड़की है ना, ये मैजिक क्रिएट कर रही है। मैजिक क्रिएट करने का मतलब है कि जैसे आपकी लाइफ खाली हो गई है, ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ बनानी है और आप कहते हो कि आई कैन क्रिएट माई ओन डेस्टिनी, मैं अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ठीक है। आपने ये चीज मान ली, अब आपने इस चीज को मान लिया और अब आप क्या कर रहे हो, एक एक करके क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। क्या क्रिएट कर रहे हो, पहले आपने कहा कि मेरी लाइफ में ना मुझे एक बहुत अच्छा करियर बनाना है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया और करियर को लेकर आपने अपॉर्चुनिटीज को मैनिफेस्ट किया कि मुझे इस करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे इस करियर में इस करियर को बनाना है, इस फील्ड में जाना है और इसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो पहले इस इंसान ने ना क्लियर इंटेंशन के साथ 100% एनर्जीज के साथ उस चीज में एफर्ट लगाए, अपना काम किया जिस फील्ड में वो करियर बनाना चाह रहा था, एंड उसने वहां पर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया, अपॉर्चुनिटीज उसकी तरफ आने लगी और उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उसके बाद उसने देखा कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ फियर इश्यूज हैं या फिर कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जैसे गिल्ट रहता है बहुत ज्यादा, या फिर लोगों की बहुत ज्यादा सुनता है, अपनी नहीं चला पाता है, ठीक है। तो उसको ये समझ में आया कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो इसने क्या किया, एक एक करके अपने एक एक इशू पे काम किया, यानी कि 5 दिन लिए, ठीक है, और 5 दिन तक उसने अपने पेन पेपर लेकर उसने कंटिन्यूस ये राइटिंग की, दिन में एक एक दो 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 तीन तीन बार कि आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, और उसने ना 2-4 दिन में 5 दिन में ये फियरलेस फियरलेस बार बार अपने दिमाग में डाला, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दिया कि उसे डर नहीं लगता है। और कुछ दिन के बाद उसे ये समझ में आया कि उसे डर लगना बंद हो गया, ये काफी हद तक उसका इशू है जो वो रिलीज हो गया है, ये इशू जो है वो हील हो गया है, फियर का इशू रिलीज हो गया है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, मतलब इस तरीके से कहते हैं हम क्रिएशन, कि अपनी लाइफ को एक 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 चीज को समझो, पहले कहां पर करने की जरूरत है वहां पर क्रिएट करो, खुद से क्रिएट करो, ठीक है। फिर उसको समझ में आया कि नहीं, मुझे तो एक अच्छा पार्टनर भी चाहिए, ठीक है, तो मतलब सब कुछ एक साथ मैनिफेस्ट नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि 100% एनर्जीज लगानी पड़ती किसी एक पर्टिकुलर चीज में, और ऐसे ही इश्यूज को भी हील किया जाता है। जैसे पहले आपने फियर पकड़ा, पहले आपने फियर का इशू रिलीज किया, फिर आपने एक अगला इशू पकड़ा कि आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती है, तो फिर आपने इनसिक्योरिटी को पकड़ा और आपने बार बार अफर्मेशन डाली कि आप इनसिक्योर नहीं होते हैं, ठीक है, आपको कोई जेलसी फैक्टर्स नहीं है, आपने ऐसा कंटिन्यू जब आपने आपको मैसेज दिया
मेडिटेशन में ऐसा मैसेज दिया, तो आप देख रहे हैं आप इनसिक्योर होना बंद हो गए हो। चाहे कोई भी इनसिक्योरिटी हो, चाहे पार्टनर को रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, आप इनसिक्योर होना लाइफ के प्रति बंद हो गए। ऐसे किया जाता है हीलिंग, ऐसे की जाती है हीलिंग, और ऐसे ही अपनी लाइफ को क्रिएट किया जाता है, ऐसे ही अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया जाता है, खुद से बनाया जाता है। इसी को हम कहते हैं बेरंग दुनिया में रंग भर देना। तो जितने लोग ना कर रहे हैं ना क्रिएशन, कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली क्रिएट कर रहे होगे, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लगा रहे होगे। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ना गाइस, वो क्रिएट हो रहा है। अब ये देखिएगा कि आप क्या सोचते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ क्रिएशन मतलब ये नहीं कि आप दिन भर क्या टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है, क्या विजुलाइज कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्या सोच रहे हैं उससे भी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो सोचना भी वही है, बोलना भी वही है, और देखना भी वही है, ठीक है, जो आप क्रिएट करना चाहते हो। तो वो आप कर रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे पहली गुड न्यूज है कि आप कर पा रहे हो, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव प्रेयर एंड विजडम। यहाँ पर ये नजर आता है कि जितना आप ईश्वर के करीब आ रहे हैं, जैसे काफी मेडिटेशन आप करने लगे हैं, ठीक है, मेडिटेशन से क्या होता है, आपके एंजाइटी डिप्रेशन जैसे इश्यूज ठीक हो जाते हैं, मेडिटेशन से क्लैरिटी आने लगती है, मेडिटेशन से आप शांत होने लगते हैं, मेडिटेशन से आप पीस में जाने लगते हैं, अकेली कंपनी इंजॉय करने लगते हैं अपनी, मेडिटेशन से आपकी लाइफ से वर्डन हटने लगते हैं, ज्ञान और ज्यादा अच्छा आप मेडिटेशन करना जब सीख जाते हैं ना, कंटिन्यूस एक साल मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद ज्ञान आपके अंदर से ऑटोमेटिक फ्लो होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो आप बाहर से जानना चाहते हो वो आपके अंदर से आती हैं। तो बहुत सारे लोग जो इस तरीके की प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, प्रेयर करते हो जब तो ईश्वर आपको सुनता है, ध्यान जब आप करते हो तो मेडिटेशन जब आप करते हो तो आप ईश्वर को सुनते हो। कहने का मतलब है कि जब आप प्रेयर करते हो तो आप बोलते हो ईश्वर से, मैं ऐसा मैं वैसा, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, लेकिन जब आप ध्यान करते हो, आप शांत बैठते हो, फिर ईश्वर बोलता है और आप सुनते हो, यानी आपके अंदर की आवाज बोलती है और आप सुनते हो, है ना। तो आपके अंदर विजडम भी बढ़ रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। ज्ञान बढ़ेगा, आप अपनी लाइफ में सही चलोगे और काफी ज्यादा उन्नति यानी ग्रोथ करोगे। यहाँ पर परफेक्शन का कार्ड है। देखिए आप लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एक एक इशू पर काम कर रहे हैं, तो परफेक्ट बन रहे हैं आप, ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। ईश्वर आपको ना तथास्तु बोल के परफेक्शन में नहीं लेकर आता है, वो आपसे ही काम करवाता है, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है कि यार ये इंसान बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा, तो उसको जिंदगी तक पहुंचाने का काम उसका संघर्ष करता है, और जिसमें वो बहुत सारी चीजों को लर्न करता है। तो उससे कभी हारना नहीं चाहिए, ठीक है। जो हार मानते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हार मानते हैं तो फिर आप अपने आप को खुद डिसअपॉइंट करेंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में, क्योंकि हार मानना ना सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। ईश्वर ने आपको जिंदगी दी और आप कहते हो अब मैं हार गया, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ होता ही नहीं कि आप कुछ ठीक कर नहीं सकते, जस्ट आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका खुद का ध्यान खुद पर नहीं, किसी और पर है, ठीक है। और जब दूसरों पर ध्यान होता है, दूसरों से खुशियों की उम्मीद होती है, तो इंसान मुंह की खाता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको बाहर से बहुत खुशियां मिल जाए। जनरली लोगों को खुद ही खुश रहना सीखना पड़ता है, ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। तो जो लोग भी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हैं और काफी खुश अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, अपने आप पे उनका ध्यान काफी ज्यादा है, जब आप अपना ध्यान रखेंगे ना, देखिए ना, दुनिया आपकी तरफ आने लगेगी, दुनिया आपका ध्यान रखने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ेगी, ठीक है। और ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, जब तक आप किसी के पीछे पड़े रहेंगे ना, वो आपकी कदर कभी नहीं करेगा, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई चीज हो, जब तक आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, तब तक वो चीज आप तक नहीं आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है, जब जैसे ही आप मैग्नेट बनते हैं, जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपने आप को डिजर्विंग मानने लगते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। अब इतने बड़े स्टार्स को देखेंगे ना, सारे स्टार्स जो हैं आज के टाइम में, जो भी कामयाब लोग हैं, ये एक चीज बोलते हैं, मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, मुझे करना था, मैं करना चाहता था, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक सपना देखा और उसको विजुलाइज किया और उस चीज पे आगे बढ़े, तो उन्होंने वो चीज अचीव करी जो वो करना चाहते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज पर आ जाते हैं कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में नजर आ रहे हैं और काफी परफेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। इसके अलावा आपकी तरफ अगर कोई नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो एंसेस्टर्स का, स्पिरिट्स का बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। ऑल्सो आपकी लाइफ में कितना भी दुख क्यों ना चल रहा हो, एंजल्स आपको लगातार गाइड कर रहे हैं, लगातार आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, पूरा खाना बनाने का सामान है, सब्जी है, ठीक है, जो भी चीज आपको खाना बनाने के लिए चाहिए वो सारा सामान आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप बनाकर नहीं खाएंगे तो मतलब बना बनाया तो आपको कैसे मिल जाएगा, और जब तक आप खाएंगे नहीं तो पेट में कैसे जाएगा, ठीक है। तो कर्म तो करना पड़ता है गाइस, आपको अगर ईश्वर सब कुछ अरेंज करके दे रहा है, ठीक है, तो आपको उस चीज से अपना खाना खुद बनाना है और उसको खाना भी खुद है, ठीक है। तो ये तो आपका कर्मा है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि ईश्वर आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, आप तक बहुत कुछ पहुंचा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज को देख पाते हैं, आप उस चीज को हाथ लगाकर उस पर काम कर पाते हैं या नहीं। कुछ लोग कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं गाइज उनकी लाइफ में आएगी खुशियां आएंगी, ठीक है। और देखते हैं, ये आपके रिजेक्शन से परफेक्शन का सफर है। सी
ठीक है, रिजेक्शन से परफेक्शन का सफर ही है आपका। वैलेंट कलेज, स्टेइंग फोकस्ड, वॉन्डरिंग पाथ, फाइंडिंग सेंचुरी, फर्स्ट लाइट, पैशन एंड प्लेजर, व्यू फ्रॉम अबव एंड रिजुविनेटिंग डे, वाइज लीडर। वाओ कितना अच्छा कार्ड है, वाइज लीडर, यू आर बीकॉन फॉर अदर्स। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि आप आने वाले समय में लीडर बनने वाले हैं। अब एक बात बताइए, कोई इंसान लीडर बनने वाला है, कुछ लोगों को लीड करने वाला है, जब वो अपनी लाइफ लीड नहीं कर पा रहा तो वो दूसरों की लाइफ को क्या लीड करेगा? ठीक है, जिसको खुद पढ़ना नहीं आता वो दूसरे को क्या पढ़ाएगा? ठीक है, तो जो लोग भी अपनी लाइफ पर गिव अप करने की सोचते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि मुझे लाइफ को छोड़ देना चाहिए, आप बहुत हारे हुए लोग हैं। ठीक है, लाइफ में आप देखिए ना, यहाँ पर आपके साथ रीडिंग देखने बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक ही इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है? ठीक है, आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल जर्नी इतनी आसान है, ऐसे ही निकल रही है? नहीं, सबको अपने ऊपर काम करना पड़ा है, सबको अपने इशूज को साथ डील करना पड़ा है, सबको अपनी कमियों पर काम करना पड़ा है। यही तो है ईश्वर का मार्ग, जहां पर आपको बार बार ये बोला जाता है कि अपनी कमियों पर काम करो, सिर्फ खुद पर ध्यान दो, बाकी सारी दुनिया पर ध्यान देने की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब ईश्वर खुद कहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर फोकस रहो, बाकी किसी पर फोकस रहने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो अपनी लाइफ को बनाने की दम रखते हैं फिर वो एक लीडर की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को कि आप अपनी लाइफ को कैसे बनाओगे, वो बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि लाइफ को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आप एक लीडर की तरह आने वाले समय में हो सकते हो, आपके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जिसने कुछ नहीं सीखा वो कभी कुछ नहीं सिखा सकता है, सिर्फ वही सिखा सकता है जिसने कुछ सीखा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर वेलियंट करेज का कार्ड है, टेक एक्शन विद पैशन। तो मुझे आपके लिए एक नजर आती है एनर्जी कि आप अपनी लाइफ में ना अगर एक्शन लेते हैं तो आप देखिएगा आपके रास्ते खुल रहे हैं। मतलब अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, ठीक है, तो आप देखिए यूनिवर्स आपको उस चीज का रास्ता दे रहा है कि इसको आप कैसे करेंगे। मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो उसके लिए रास्ता जो बनता है ना कि कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। इंसान के मन में बहुत सारी प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूट करने में उसको प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे अप्लाई करूं मैं। ठीक है, तो जब आप सिर्फ माइंड में ये बना लीजिए कि मुझे एक्शन लेना है और इस फील्ड में लेना है, उसके बाद आप उसे मैनिफेस्ट करिए, रास्ता खुद यूनिवर्स बनाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज नजर आती है। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। देखिए आपके अंदर बहुत ज्यादा आप ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं, खुद को आप जानते नहीं है, इसलिए आप आपको लिमिट करके बैठे रहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जिस दिन आप ये जान गए ना कि आप ही सोर्स हैं, ठीक है, आपकी लाइफ को बनाने का सोर्स सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, कोई बाहर से आकर आपकी लाइफ को बनाएगा ऐसा नहीं होता है, आपके पास सारी पावर्स अवेलेबल, जस्ट अपने आप को जानने की जरूरत है। और एक स्पिरिचुअल इंसान अपनी लाइफ में जो चाहे वो बना सकता है, सिर्फ उसको जानने की, उसके पास वो ज्ञान विजडम होनी चाहिए। तो ये चीज नजर आता है कि कुछ लोग ना अपने गिफ्ट्स को अनलॉक कर रहे हैं, कुछ लोग वो पावर को यूज कर रहे हैं जो उनके पास ऑलरेडी है। ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी, विजडम होगी। यहाँ पर कार्ड स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड अ कोर्स। तो मुझे ऐसा भी नजर आता है कि आने वाले समय में काफी फोकस्ड हो आप, जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी जिस भी फील्ड में आप पढ़ना चाहते हो, किसी फील्ड में काम करना चाहते हो, कोई भी आपका पैशन है, जो भी आप काम कर रहे हो फोकस से कर रहे हो कि मैंने यहाँ पर काम करना है तो मैं पूरी एनर्जी यहीं पर लगाऊंगा अब। ठीक है, एंड फर्स्ट लाइफ, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप रेडी हो जाइए कि मैं तैयार हूं, यूनिवर्स भी कह देगा आपको कि आप रेडी हैं। सिर्फ कहना नहीं है कि मैं रेडी हूं, ठीक है, अपने आप को ऐसा फील भी करना है कि मैं रेडी हूं। अब आप जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कमेंट सेक्शन में टूटा हुआ दिल लिख देते हैं, मतलब टूटा हुआ दिल बना देते हैं कि बहुत परेशानी में है जैसे, ठीक है, आप जब खुद ऐसा मानते हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत तकलीफ में है, जब तक आप अपने माइंड को कॉन्टिन्यूसली ये मैसेज देते रहेंगे कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे बहुत दर्द होता है, लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये क्या है, विक्टिम मेंटालिटी है। और ये आपकी लाइफ में इसी तरीके की चीजों को वेलकम करेगी। मैंने आपको कई बार बताया, जिस ऊर्जा में होगे ना वैसी ऊर्जा के लोगों को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। अगर पॉजिटिव हो, आपकी तरफ चलने वाले जो लोग होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। अगर खुद विक्टिम हो तो
ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो आप ही की तरह विक्टिम बातें करते हैं कि मुझे इतना दुख मिला, हाय मुझे इतनी तकलीफ मिली, ठीक है, वो ना खुद दुख से ऊपर उठ पाए हैं ना आपको उठने देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे लोगों की एंट्री हो, अच्छे लोगों को अगर आप अपनी कंपनी मतलब अच्छे लोगों की कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाइए। जिस ऊर्जा में होगे उसी लोगों को आप अपनी लाइफ में इन्वाइट करेंगे, और फिर आपको लगेगा कि यार ये कौन मिल गया मुझे, ठीक है, ये तो मेरे ही जैसा इंसान मिल गया मुझे, मैं नेगेटिव, ये भी मैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, तो आपको कहीं ना कहीं डरना बंद करना होगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको करनी होती है लाइफ के अंदर, ठीक है, सब कुछ अगर आपको बना बना मिल जाता है ना, तो उनके साथ भी मैच्योरिटी के साथ चाहिए चीजें, मतलब मैच्योरिटी चाहिए उन चीजों के साथ डील करने के लिए। आप देखिए जितने भी लोग बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचे हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस से पहुंचे हैं और उनको पता है कि सक्सेस को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। कोई लोग ऐसे देखिए आप जिनको रातों रात सक्सेस मिलती है ना, वो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि रिएक्ट करना कैसे है, क्योंकि उनने सक्सेस के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन वैसे वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जो सक्सेस को हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस का एक्सपीरियंस किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है वो मैच्योरिटी उनके पास है। ऐसे ही नहीं यूनिवर्स तथास्तु करके आपको सब कुछ दे देते हैं, झोली में डालकर दे देंगे, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप हैंडल भी तभी कर पाओगे जब आपके पास उसको उसकी हैंडल करने की मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस आपके पास होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये नजर आता है कि आप अपनी जर्नी को इंजॉय कर रहे हैं आने वाले समय में, वो तब हो पाएगा जब आप अपनी लाइफ में अपना चार्ज खुद लेंगे, अपनी गलतियों का भी और अपनी अच्छाइयों का भी। यहाँ पर कार्ड है पैशन एंड प्लेजर, ठीक है। तो ये नजर आता है कि बहुत सारे लोग अपने पैशन को देखो फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, क्या है ये वो जो काम कर रहे हैं वो काम करने को मजा आ रहा है, दूसरों पर से उन्होंने अपना फोकस हटा दिया, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। अपने ऊपर ध्यान है और अपनी लाइफ को इंजॉय करने की कोशिश करें। आप करके तो देखिए, जब आप ये करने लगेंगे ना, आपके पास ऐसे लोग आने लगेंगे जो आपको खुश रखते हैं, आपको आपका साथ देते हैं, आपके साथ लॉयल हैं, ठीक है। अभी आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो इसलिए लोग आपके साथ लॉयल नहीं है। यहाँ पर कार्ड है व्यू फ्रॉम अबव, ओके। हमेशा ना नीचे से देखते हैं कि क्या हुआ है, क्यों किया है, ऐसा किया मेरे साथ, बहुत तकलीफ दी मुझे, ठीक है। व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से देखने की क्षमता सिर्फ उसके पास होती है जिसके पास विजडम होता है, जिसके पास ज्ञान होता है। गेट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर कोई देख ही नहीं पाता है कि चीजें अगर हो रही हैं लाइफ में तो ये क्या दे सकती हैं आने वाले समय में ना। हमको तो सिर्फ नीचे नीचे का दिखाई देता है कि हाय बहुत दुख मिल गया, ठीक है। उस दुख के पार निकल कर हमको क्या मिल सकता है वो वही देख सकता है जैसे राजा बनना होता है। कहते हैं ना कि सब राजा नहीं बन सकते, ठीक है, सब राजा नहीं बन सकते। वो इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि राजा बनने की उनकी सोच ही नहीं है, और ना सोच है ना ही वो उस लेवल से देख पाएंगे कभी लाइफ को। तो व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड आ रहा है जो दिखा रहा है कि अगर आपको डेस्टिनी बड़ी चाहिए ना, तो ऊपर से देखना स्टार्ट करो, लाइफ को बड़े नजरिए से देखना स्टार्ट करो, बड़े नजरिए से सोचो, हर एक तकलीफ के पीछे मिली हुई सक्सेस को आप देखो, एक्सपीरियंस को आप देखो, वो आपको लगातार कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज नजर आती है कि आप बहुत ज्यादा लर्निंग कर रहे हो और चीजों को बड़े नजरिए से देखना आपने स्टार्ट कर दिया है। रेजुविनेटिंग लिंग, क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। अब देखिए सबसे लास्ट में यही मैसेज निकल आया है कि पास्ट को क्लियर करो, ठीक है। पास्ट में अटके रहने वाला व्यक्ति फ्यूचर में अच्छा बना ही नहीं सकता है। पास्ट में जो लेट गो करना जानता है या फिर ये समझ गया है कि पास्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता, अब चाहे जो हो जाए, वो तो जो होना था हो गया, लेकिन पास्ट में जो हुआ, जो भी गलतियां हुई, वो प्रेजेंट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसी वाली सोच जिनकी होगी ना, वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं कि पास्ट में चेंज कर नहीं सकता, लेकिन पास्ट से जो लेसन मिले हैं अगर उन्होंने मैंने प्रेजेंट में अप्लाई नहीं किया तो मैं फ्यूचर भी बर्बाद कर लूंगा। तो उसको उसके लिए मुझे प्रेजेंट में अपने लेसन को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर अच्छा बन सके। तो ये जो लोग भी कर रहे हैं देखिए, उनका हील भी प्रेजेंट हील हो जाता है, पास्ट क्लियर हो गया, फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा, ये चीजें नजर आ रही हैं। सो गाइज आपके लिए ये गुड न्यूज निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।